सत्यभामा और राघव ने अपने जीवन के बारे में ऐसा क्या निर्णय लिया जिसमें वो अपने साथ दादी को भी शामिल करना चाहते थे? जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। ये तुम क्या कह रही हो भामा, दादी ने कहा। अब तक आपने मेरा साथ दिया है, आखिरी बार और मेरा कहा मान लो दादी, भामा ने कहा। लेकिन बेटा, अब तक जो तुमने किया उससे तुम्हारे प्रेम को पूछने की दशा देखकर कोई रोक टोक नहीं की, पर अब जो करने जा रही हो वो सही नहीं है भामा। जानती तो हो दादी, मेरी मजबूरी है। यदि इस समय आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे सब करे कराए पर पानी फिर जाएगा और सत्य जहाँ खड़ा है वहीं रह जाएगा, जबकि आप ही कहती हैं कि जिंदगी चलने का नाम है, भामा ने कहा। तुम सिर्फ सत्य के बारे में ही क्यों सोचती हो भामा? तुम्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है, तुम्हें भी तो जीवन बिताना है। मेरी जीवन की खुशी सत्य की खुशी पर है दादी। और मेरी खुशी का क्या भामा, दादी ने पूछा। हम जहाँ जाने वाले हैं मुझे विश्वास है दादी कि आप भी वहाँ खुश रहेंगी, भामा ने कहा। तुमने राघव से बात की है, दादी ने पूछा। हाँ दादी, मैंने उसे सब बातें स्पष्ट कह दी है। तो क्या वो राजी है तुम्हारा साथ देने के लिए, दादी ने पूछा। उसने कहा है कि सोच कर बताऊंगा। तो फिर तुम अपनी योजना में सफल नहीं हो पाओगे, दादी ने कहा। मुझे राघव पर विश्वास है दादी कि वो मेरे लिए मेरी बात अवश्य मानेंगे, भामा ने कहा। भामा सही कह रही है दादी, मुझे भामा का प्रस्ताव मंजूर है, राघव ने प्रवेश करते हुए कहा। एक बार फिर सोच लो राघव, भामा के साथ चलते हुए तुम भी बंध जाओगे, दादी ने कहा। बहुत सोच समझकर मैंने निर्णय लिया है दादी, पहली बार भामा ने मुझसे कुछ चाहा है और मैं ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है, राघव ने कहा। मैं तुम्हें बांध नहीं रही हूँ राघव, एक बार सत्य अपना जीवन कोमल के साथ शुरू कर ले फिर तुम जो चाहे कर सकते हो, भामा ने कहा। तुमने तो कहा भामा कि आज ही सत्य के घर जाना है, राघव ने कहा। तो फिर सत्य के घर चले, भामा ने कहा। ठीक है, दादी भी चल रही है ना, राघव ने पूछा। नहीं सत्य, दादी नहीं आएंगी हमारे साथ, भामा ने कहा। रुको राघव, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ, दादी ने उसके पीछे आते हुए कहा। मैं जानती थी दादी कि आप मेरा साथ अवश्य दोगी, भामा ने पीछे मुड़कर दादी को गले लगा लिया। आप लोग अचानक, एक साथ कोमल ने तीनों को देखते ही कहा। हाँ, तुम्हें आशीर्वाद भी देना था और क्या दादी, दादी को बीच में ही टोकते हुए सत्य ने पूछा। तुम्हारे घर आए हैं तो तुम समझ ही गए होंगे कि क्या खुशखबरी लेकर आए होंगे, दादी ने कहा। आप किस खुशखबरी की बात कर रही हैं दादी, सत्य ने पूछा। तुमने भामा से कुछ कहा था क्या, दादी ने पूछा। हाँ दादी, सत्य ने कहा। सत्य कुछ चाहे और भामा उसकी पूर्ति ना करे, ऐसा संभव है क्या, राघव ने कहा। तो क्या सच में भामा शादी करने को तैयार है, ये सोचकर सत्य का दिल बैठने लगा कि मैंने तो सोचा था कि जब भामा के पास अन्य किसी से भी विवाह करने का प्रस्ताव रखूंगा तब भामा को समझ में आएगा कि कोमल के साथ विवाह करके कैसा महसूस कर रहा हूँ। किस सोच में डूब गए सत्य, राघव ने कहा। हाँ, मैं सोच रहा था कि भामा से मैंने क्या कहा है, सत्य ने संभलते हुए कहा। तुमने भामा को कहा है कि जब वो शादी करेगी तभी तुम कोमल को अपना पाओगे, दादी ने कहा। क्या सत्य ने ऐसा कहा, कोमल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, उसने आगे कहा। थैंक यू सत्य, तुमने मेरा कहना आखिर मान ही लिया। ये तुम कह रही हो कोमल, सत्य की माँ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये सच है कि मैंने सत्य से कहा था कि हमारे वैवाहिक जीवन की खुशियाँ तभी संभव होंगी जब भामा की शादी हो जाए, कोमल ने कहा।
पर तुमने तो मुझसे कहा था कि सत्य तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, हमेशा भामा के बारे में ही सोचता रहता है, सत्य की माँ ने कहा। कहना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि भामा की शादी हो ही जानी चाहिए, तभी मेरा घर सुरक्षित रहेगा, कोमल ने कहा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था आंटी जी कि सत्य किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। उसने मुझसे वादा किया है कि कोमल को वो सम्मान देगा जो एक पत्नी के रूप में उसका हक बनता है, भामा ने कहा। क्या फर्क पड़ता है किसी के कहने पर, भामा की शादी की बात उठी है पर बात तो सही है कि अब भामा की शादी हो जानी चाहिए, कोमल ने कहा। मैं भी चाहती हूँ कि भामा की शादी हो जानी चाहिए, पर इसलिए नहीं कि भामा के विवाह ना होने से तुम्हारा वैवाहिक जीवन असुरक्षित रहेगा, कोमल को समझाते हुए सत्य की माँ ने आगे कहा, बल्कि इसलिए कि भामा को भी जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है और खुश होने का अधिकार उसे भी है। हम सब लोग तो अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं, भामा लोग क्या कहने आए हैं कोई पूछ ही नहीं रहा है, सत्य ने कहा। भामा और मैं दोनों शादी करने का फैसला ले चुके हैं, राघव ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। क्या? सत्य की माँ का मुंह खुला ही रह गया। मैं राघव को बचपन से जानती हूँ, भामा की दादी ने आगे कहा, जबकि भामा ने कहा है कि उसे जल्दी ही शादी करनी है, तो मेरी नजर में राघव से अच्छा लड़का कोई नहीं है। भामा क्या चाहती है? बहुत देर के बाद सत्य ने खामोशी तोड़ी। उसका मन नहीं मान रहा था कि भामा उसके अलावा किसी और से शादी कर सकती है। सत्य का मन ये सोचकर भी बेचैन है कि कहीं उसी की तरह भामा भी शादी करके ना फंस जाए। सत्य अब जान चुका है कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से करके जीवन चला पाना बहुत मुश्किल काम है। भामा के कहने पर ही हम सब यहाँ आए हैं, राघव ने कहा। कब शादी करने वाले हो? कोमल ने पूछा। जिस तरह शादी के निर्णय से अवगत करा दिए हैं, उसी तरह जब समय तय करेंगे वो भी बता देंगे, सत्य की माँ ने कहा। कोमल की जल्दबाजी भी अपनी जगह सही है आंटी जी, हम लोग कुछ काम से USA जाने वाले हैं, तो हमने सोचा है कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, भामा ने कहा। हाँ, पर शादी यहाँ नहीं, USA में करेंगे, राघव ने कहा। पर USA में क्यों? सत्य ने पूछा। क्योंकि हम वहीं शिफ्ट होने वाले हैं, भामा ने कहा। ये क्या बात हुई भला? सत्य ने आगे कहा। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, जिसकी सजा मुझे मिली है कि मैंने जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसे न पा सका। पर तुम्हें सजा क्यों भामा? कैसी सजा सत्य? राघव ने आगे कहा। मैंने भी तुम सबकी तरह भामा से शादी करने से पहले एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? सत्य ने पूछा। देखो सत्य, कोमल की तरह मैं भी चाहता हूँ कि भामा से विवाह के बाद मेरी शादीशुदा जिंदगी में किसी की भी दखलंदाजी ना हो, और मुझसे अच्छा इस बात को और कौन जानता है कि जब तक भामा तुम्हारे आसपास रहेगी और तुम्हारे सुख दुख को जानती रहेगी, वो अपने नए जीवन को अपना नहीं पाएगी। क्या तुम्हें भी यही लगता है भामा, कि मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूँ? सत्य ने कहा। सवाल मेरी परेशानी का नहीं है सत्य, हमें एक दूसरे को भूलना है और इसके लिए जरूरी है कि। ठीक है भामा, जब तुमने तय कर लिया है तो जाओ, मैं कभी बात नहीं करूंगा तुमसे, आज ही अपने मोबाइल से तुम्हारा नंबर डिलीट कर दूंगा, कहते हुए सत्य अपने कमरे की ओर बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि अब दिल से निकले प्रेम रस की बाढ़ को पलकों के कपाट से रोक पाना मुश्किल है। सत्य सुनो तो। जाने तो भामा उसे, सत्य की माँ ने आगे कहा। अच्छा है कि उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका मिला है, कम से कम इसे देखकर इसे जानने वाले लोग प्लेबॉय बनने की होड़ में नहीं रहेंगे, इसकी बर्बादी उन सब लोगों के लिए एक सबक होगी जो ये सोचते हैं कि जीने का मतलब मन मर्जिया है। ऐसा कहकर आप मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं मम्मी जी, कोमल ने कहा। तुम परेशान मत हो कोमल, भामा ने आगे कहा, प्यार का कभी कोई अपमान नहीं होता है, प्यार तो मान अपमान सुख दुख और यश अपयश से परे होता है।
हाँ, मुझे तुमसे प्यार की बातें नहीं सीखनी है भामा। मैंने भी सत्य से प्रेम किया है और अपने प्रेम को कैसे संभालना है, उसे किस तरह खुश रखना है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी प्रेम की भीख मांगने गई थी भामा के पास। सत्य की माँ ने कहा, मैं अपने प्रेम को पाने में सफल हुई हूँ तो मेरी कामयाबी पर मुझे प्रोत्साहन देने के बदले आप अपनी बहू को छोड़कर एक अनजान लड़के की तरफदारी कर रही हैं, जो कि उचित नहीं है। वैसे भी मुझे सत्य से मतलब है, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है, कहते हुए कोमल भी वहां से चली गई। वैसे आप लोगों का USA जाने का प्रोग्राम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोमल के जाते ही सत्य की माँ ने कहा। अपना देश छोड़कर जाने का तो हमारा भी मन नहीं है, दादी ने कहा। तो मत जाइए ना, यहाँ रहकर भी तो हमारे परिवार से दूर रह सकते हैं। आवाज सुनकर सत्य की माँ राखी की ओर बढ़ी और सहारा देकर साथ ले आई। आपके बारे में माँ और भैया से बहुत सुना है, भगवान यदि एक सेकंड के लिए आंखें दे दे तो आपको ही देखना चाहूंगी, राखी ने कहा। ये आपका बड़प्पन है, भामा ने कहा। कोमल का स्वभाव देखकर मुझे सबसे ज्यादा चिंता राखी के लिए हो रही है, सत्य की माँ ने कहा। आप परेशान क्यों हो रही हैं माँ, भैया तो है हमारे साथ, वो भैया जिन्हें भामा जी ने प्यारा भैया बना दिया है, कहते हुए राखी भामा की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी, पर भामा से टकरा कर राघव की गोद में गिर पड़ी। सॉरी, उसकी माँ ने राखी को उठाते हुए कहा। सॉरी, राखी ने भी कहा। ये राघव है बेटा, जिसकी भामा से शादी होने वाली है, सत्य की माँ ने कहा। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, राघव ने राखी का हाथ पकड़कर कहा। भामा, तुमसे एक सहायता चाहिए मुझे, सत्य की माँ ने कहा। इसके लिए पूछने की क्या जरूरत है, भामा ने आगे कहा। सत्य से विवाह नहीं हुआ तो क्या आप मेरी आंटी नहीं रही, वो आंटी जिसके बेटे से मुझे सच्चा प्यार मिला और जिसने हमारी सबसे मुश्किल घड़ी में साथ दिया जब हमने अपने मम्मी पापा को खोया था। हम मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ, सत्य की माँ ने कहा। USA के एक डॉक्टर से मेरी बात हुई है, राखी की आंखों की रोशनी लौटने की उम्मीद जगाई है उसने। मैंने सोचा था तुम्हारी शादी के बाद मैं इसे लेकर जाऊंगी, पर कोमल से शादी के बाद मेरा सोचा हुआ सब काम स्थगित हो गया है और इस समय हमारे घर के जो हालात चल रहे हैं उसमें अब मेरे जाने की उम्मीद भी कम है। तुम तो जानती ही हो कि सत्य के पापा के पास हमारे लिए समय होता ही नहीं है, फिर भी मैंने उनसे बात की थी, पर हुआ वही कि काम से उन्हें फुर्सत नहीं है और अब जबकि तुम USA जा रही हो तो राखी को भी लेती जाओ, सत्य की माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा। आपको भामा पर इतना विश्वास क्यों है कि आपके इतने महत्वपूर्ण काम को ये कर लेगी, दादी ने राखी की जिम्मेदारी से भामा को बचाने के लिए कहा। मैंने भामा की आंखों में सत्य के लिए वो प्यार देखा है कि सत्य और उसके खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बल्कि कर रही है। सत्य की सारी पूर्व गलती को अनदेखा करके समर्पित प्यार का सहारा देकर सत्य को वो रास्ता दिखाया कि मेरे सत्य ने ना सिर्फ अपने माता पिता के कहे अनुसार कारोबार और परिवार को संभाल लिया है, बल्कि प्ले बॉय की अपनी इमेज को खत्म करके समाज में हमें सर ऊंचा करके जीने लायक बना दिया है। मैंने सोच लिया था कि उसके पापा की तरह बेटा भी कभी हमारी भावनाओं को समझेगा ही नहीं, पर आज देखो अपनी माँ और बहन का ख्याल रखने लगा है। भामा के ही साथ का कमाल है कि सत्य ने कोमल से शादी करने का निर्णय लिया, वरना पहले वाला जो सत्य था उसका कोई ब्लैकमेलर कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, सत्य की माँ ने कहा। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है आंटी कि सत्य को कोमल के साथ विवाह करने के लिए कहकर हमने गलती कर दी, भामा ने पूछा। क्या सही है और क्या गलत ये तो भविष्य की गर्त में छुपा है, पर इतना अवश्य कहूंगी कि सत्य के साथ तो भामा की ही जोड़ी बनती थी, सत्य की माँ ने आगे कहा।
सत्य जब बुराई और अच्छाई में फर्क नहीं समझता था, तब किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी बुराइयों से उसका सामना करवाए। पर अब देखो, कोमल जैसी लड़की उसकी बुराई को ही ढाल बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करने में कामयाब हो गई। पर कोमल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी ही लड़कियों के कारण जो महिलाएं वास्तविक शोषण का शिकार होती हैं, उस पर भी विश्वास नहीं हो पाता है। ये बात तो सही कही आपने आंटी जी कि कोमल जैसे लोगों के कारण ना सिर्फ लड़कियां बल्कि, खैर छोड़िए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। कल राघव आएंगे राखी को लेने, आप भेज दीजिएगा, भामा ने कहा। क्या राघव, सत्य, भामा और दादी सच में हमेशा के लिए यूएस से शिफ्ट हो रहे हैं? क्या सत्यजीत राघव और सत्यभामा के विवाह की बात जानकर सहज हो पाएगा? जानिए कहानी के अगले भाग में।